अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो ईद उल अज़हा का ये पहला दिन है और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, सब बहनों को, सब व्लॉगर्स को मेरी तरफ, जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा है या शुरू किया या देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बच्चे गाँव आकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। आते साथ तो पहले दोपहर में सब एक ही जगह पर इकट्ठे अपने चाचू के साथ और बाकी सब कज़न थे जो थे, बैलून लेके, खिलौने लेके खेलते रहे हैं। उसके बाद दोपहर में एक दो घंटा आराम किया और फिर शाम के टाइम वो नहाना शुरू कर दिया। तो इन सब कामों के बाद हमने बनाई सालन। तो भिंडी पहले फ्राई कर चुकी थी आपकी, तो उन्होंने पढ़नी थी नमाज, तो नमाज़ पढ़ने चली गई और मैंने बाद में प्याज को फ्राई किया और इसमें बाकी के रेगुलर स्पाइसेस जो डाले थे वही, तो इसमें डाल दिया क्रश की हुई सब्ज मिर्च और डाल दूँगी इसमें मैं टमाटर। तो इनको हल्का से सोटे करूँगी, ज़्यादा मैंने बुनाई नहीं करनी ना ही ज़्यादा इनको मैंने पकाना है। तो थोड़ी सी इनको बुनाई की है, उसमें भिंडी थोड़ी फ्राई की हुई जो रखी हुई थी वो डाल दी है। तो ये हमारा सालन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। स्पाइसेस अब लाइट ही खाते हैं यहाँ पर, इसलिए लाइट से ही स्पाइसेस रखे हुए हैं, ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं डाले। तो खैर इधर हमारी जो झटपट से तैयार भिंडी का सालन वो भी रेडी हो चुका है, इसको दम पे लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसके बाद यही था कि खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना दिया वगैरह, दूध वगैरह दिया बच्चों को, बच्चे खेलते रहे काफ़ी देर तक, लेट नाइट सोए, तकरीबन 10 बजे थे बच्चे जब सोए थे। और उसके बाद हमने लगानी स्टार्ट की मेहंदी, पहले बच्चों को लगा चुकी थी तो बच्चियों के लगाइए सारे, और मेरी जो जठानी थी मुझसे जो बड़ी हैं उन्होंने भी लगाई बच्चियों को, हम दोनों ने मिलके सब बच्चियों को आपस में, दरानी जठानी ने भी मेहंदी सब ने लगाई। तो जब हमारी बारी आई तब लाइट बंद हो चुकी, तो हमने बैटरी की रोशनी से ना फिर मेहंदी लगाई। तो मैं अपनी दरानी को, छोटी सिस्टर जो मेरी से है उनको मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मुझसे सारी बड़ी हैं और एक मुझसे छोटी है, तो उसको मेहंदी लगा रही थी अभी। तो उसको मेहंदी लगाते लगाते ये देखा लाइट ऑफ होगी हमारी रात को, और गाँव में ये बहुत ही इशू है लाइट जाने का, बहुत ज़्यादा मसला बना, इतनी गर्मी, ईद उल बकरा और ऊपर से लाइट ऑफ, बहुत इशू है यहाँ पे। एक तो गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से लाइट नहीं आती और बच्चे ये हैं कि बैठते ही नहीं है टिक के, सारा दिन यही हवेली में, दुकान में और बाहर हमने घूमना खेलना, हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, हमने यहाँ पर रेस्ट नहीं करी, हमें बैठना नहीं है। तो खैर जैसे जैसे करके हमने बैटरी की लाइट से मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने भी मेहंदी लगाई, लेकिन मेरी मेहंदी किसी को भी पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने बहुत लाइट से लगाई थी, इसके यहाँ पे ज़ख्म हुआ था तो मैंने छोड़ दिया। तो पहले बाद में कहते नहीं नहीं आप भी थोड़ा सा लगा दें आप इधर हल्का सा, तो इधर से भी मैंने हल्का सा ना इसको फीलिंग की है, तो इसकी भी मेहंदी डन हो चुकी है। और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी और मेरी मेहंदी मेरे बच्चों को या किसी को भी पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट सी लगाई थी और मोस्टली मैं फिंगर्स पर ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं फीलिंग करती। तो इसलिए ये था कि बच्चे कह रहे थे जैसे सबके लगाई है आपने, ऐसे क्यों नहीं लगाई आपने। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि ज़्यादा मेहंदी लगाने से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात ही बरती है, सिर्फ फिंगर्स पे और नाखून पे ही अपनी मेहंदी अप्लाई की थी, बाकी कुछ भी नहीं किया। इसलिए बच्चों को ज़रा भी पसंद नहीं है, खासकर मेरे बच्चे सब भी बातों को इतना नोट कर रहे थे, सब ने इतनी मेहंदी लगाई है, ऐसे लगाया आपने, ऐसे नहीं किया आपने, ऐसे नहीं किया। चलो खैर ऐसे ऐसे करके टाइम तो हमारा गुजर गया और बहुत हमने इन्जॉय किया चांद रात को, खासकर जो चांद रात थी सारे पास सब मेहंदी वगैरह लगा रहे थे और नेक्स्ट डे ईद था। तो जिन सिस्टर को मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।